नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते बीजेपी के सर्वे की। बीजेपी इन दिनों अपने ही किए सर्वे के आधार पर खुद की पार्टी के विधायकों से वन टू वन कर रही है। इस वन टू वन के दौरान कुछ विधायकों के ऐसे कच्चे चिट्ठे भी सामने आ रहे हैं जिससे उन विधायकों के ही होश उड़े हुए हैं। कईयों की तो जमीन खिसकी खिसकी नजर आ रही है। भले ही पार्टी के किए सर्वे पर चर्चा राजधानी में हो रही है, लेकिन शहर के गलियारे भी इससे अछूते नहीं है। जहां सुनो वहीं क्या दरबारी और क्या विरोधी एक दूसरे को सर्वे की गोपनीय बात बता बताकर निपटाने में लगे हुए हैं। वैसे कलाकार विधायकों ने सर्वे में भी एक खेल कर दिया था, लेकिन प्रदेश संगठन कुछ ज्यादा ही बड़ा कलाकार निकला। अब इस वन टू वन के बाद कईयों के चेहरे खिले खिले तो कईयों के चेहरे लटके लटके नजर आ रहे हैं। बीजेपी मिशन 2013 को फतह करने के लिए अब भीतरी रूप से पूर्वाभ्यास में जुट गई है। महाजनसंपर्क अभियान में मुंह की खा चुकी पार्टी ने अब अपने कर्णधारों की महाक्लास लगाकर वन टू वन करना शुरू कर दिया है। पहले दिन के वन टू वन में पार्टी के कई तेज तर्राट विधायक मुंह की खाते सुने गए। संगठन वन टू वन के माध्यम से सच सुनना चाहता था, लेकिन पार्टी के कुछ बड़बोले वो सब बोलते दिखाई दिए जो सच से कोसों दूर कहा जाता है। पहले पार्टी ने कुछ तथाकथित प्रभारियों के माध्यम से हर एक विधानसभा का सर्वे कराया तो ऐसा सर्वे सामने आया जो मौजूदा विधायकों के मुंह से बोला गया था। कथित प्रभारियों ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में विधायकों के प्रति स्वामी भक्ति का परिचय दिया, या यूं कहे कि विधानसभा के मंडल प्रभारियों ने विधायकों से सीधी सीधी अपनी दोस्ती ही निभाई। उन्होंने अपने प्रिय विधायक को हर मामले में क्लीन चिट दे डाली थी, लेकिन पार्टी का प्रदेश संगठन इन कलाकारों से बड़ा कलाकार निकला। उसने अपनी खुद की एक टीम मंडल मंडल वार्ड वार्ड और पंचायत स्तर तक भेजी और फिर बकायदा रिपोर्ट कार्ड बनाकर विधायकों का भोपाल तलब कर लिया। जब पहले ही दिन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विधायक के कच्चे चिट्ठे खुलना शुरू हुए तो अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। संगठन के रिपोर्ट कार्ड में दर्ज विकास कार्य विधायकों के जुबानी विकास कार्य से मेल ही नहीं खा रहे थे। संगठन ने विधायकों को यहाँ तक बता दिया कि आपके विधानसभा के किस मोहल्ले, किस पंचायत और किस गांव में क्या क्या काम होने चाहिए थे और कौन कौन से काम हुए हैं, लोगों की अपेक्षाओं पर कौन कितना खरा उतरा है। वन टू वन में कुछ विधायक सफाई देते रहे, कहते रहे उन्होंने तो करोड़ों के काम किए हैं, लेकिन संगठन ने कहा मजबूती से काम करो। सर्वे के बाद आए रिपोर्ट कार्ड पर भोपाल में चर्चा हो रही है। वहां विधायकों की महाक्लास लग रही है और विघ्न संतोषी पूरे प्रदेश के गलियारों में सक्रिय रहे। इंदौर भी इनसे अछूता नहीं है। यहां जहां देखो वहीं भोपाल की चर्चा हो रही है। क्या अपने क्या विरोधी ये पता करने में जुटे हुए हैं कि अपने विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, क्या लगी बत्ती या फिर बच गए। कुछ दरबारियों ने शहर के गलियारों में अपने विधायक को डैमेज नहीं होने दिया, जबकि विरोधी तो विरोधी होते हैं। उन्होंने जानकारी नहीं होने के बाद भी वही किया जो सालों से करते आए हैं, यानी कह बैठे यहाँ भी निपट रहे हैं और वहाँ भी निपट गए। अब ये चर्चा शहर के गलियारों के साथ साथ पार्टी कार्यालय के गलियारों का पसंदीदा विषय है और आगामी एक सप्ताह तक तो अब रिपोर्ट कार्ड पर ही चर्चा होती रहेगी। तब तक स्थापना दिवस और विकास दिवस भी मन जाएगा। हालांकि तब तक ढेर सारे विधायक सफाई पेश कर चुके होंगे। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस विकास के नाम पर करना चाहती है। वैसे आयोजन पूर्ण रूप से संगठनात्मक स्तर पर किया जाना चाहिए, लेकिन अब इसे सरकारी स्तर पर करने का फरमान आ गया है। ये सुन विपक्षियों के पेट में मरोड़े आना शुरू हो गई है, जबकि पार्टी है कि उसे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। अब जब से ये सुर्खी प्रदेश भर के गलियारों में गूंजी है, तभी से इस बड़े मामले में हर जगह चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि लगता है बीजेपी संगठन को खुद पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए तो सरकारी तंत्र की मदद से वो अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही चुनावी साल में एक दूसरे पर हमले करने का बस मौका मिलना चाहिए। इस बार हमला करने का मौका खुद बीजेपी की सरकार ने विपक्षी दल यानी कांग्रेस को दे दिया है। पार्टी अपना स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाने जा रही है और इसी दिन सरकार भी विकास दिवस के नाम से सरकारी स्तर पर पूरे प्रदेश में आयोजन कराएंगी। वैसे तो ये कोई संयोग नहीं है, लेकिन इसे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा जरूर कहा जा रहा है। अब जिस तरह से सरकार का 6 अप्रैल को विकास दिवस मनाने का फरमान जारी हुआ है, उसी तरह संगठन इसी दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा।
पूरे प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के आयोजन होंगे, तो इसका लाभ भी पार्टी को ही मिलेगा। बीजेपी भले ही इसे गलत नहीं मानती हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां पार्टी के स्थापना दिवस पर हो रहे आयोजन को चुनावी चश्मे से ही देख रही हैं। खास बात तो ये है कि कांग्रेस नेता भले ही ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे हो, लेकिन पूछे जाने पर इतना तो कह ही देते हैं कि अब क्या बोलें। ये बात तो वो ही है जिसके हाथ में लठ बस उसी की भैंस। बीजेपी के इस पैतरे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को तो गुस्से से भर दिया है। वहीं धीर गंभीर शैली के पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस पर ही पलटवार कर रहे हैं। वैसे दोनों पार्टियां चुनावी साल में अपना अपना काम कर रही है, लेकिन जो भी इस विशेष संयोग के बारे में चर्चा कर रहा है, इतना तो समझ ही रहा है कि संगठन और सरकार एक दूसरे से अनजान बनने की कोशिश करें, लेकिन माहौल बनाने का ये अच्छा माध्यम है। यूं भी कहा जाता है, महाजनसंपर्क अभियान के फ्लॉप शो साबित होने के बाद बीजेपी को कुछ तो हिट करना ही है। ऐसे में स्थापना दिवस को विकास दिवस के नाम से और विकास दिवस को स्थापना दिवस के नाम से जमकर पब्लिसिटी मिलना तय है। फिर भले ही कांग्रेस और समझने वाले बुद्धिजीवी कितनी ही बुद्धिपरक संवाद क्यों न करते रहें, उन्हें तो जो करना है वो तो कर ही जाएंगे। वैसे अब ये बहस बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय के गलियारों से निकल प्रदेश के गलियारों में पहुंच चुकी है और मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी पार्षद अक्सर इस बात का रोना महापौर कृष्ण मुरारी मोघी के सामने रोते हैं कि उनके क्षेत्र में काम नहीं होते, लेकिन मेयर साहब न केवल अपनी ही पार्टी बल्कि दूसरी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों का भी ख्याल रखना नहीं भूलते। मेयर साहब की उदारता की कायल कांग्रेस भी है। मेयर साहब कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में केवल कार्य ही स्वीकृत नहीं करते, बल्कि उनके शुभारंभ में हाथ भी बटाते हैं ताकि ये संदेशा चला जाए कि उन्हें सबकी चिंता है। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे, जैसा नाम वैसा ही काम है इनका। इन्हें हम महामना कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। द्वापर युग में कृष्ण ने लीलाएं की तो आज हमारे शहर के महापौर भी किसी लीलाधर से कम नहीं कहे जा सकते हैं। इनकी लीलाएं भी सामाजिक उत्थान और विकास में देखी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही MIC की सदस्य और पार्षद पद्मा भोजे उनके दरबार में उन्हीं के सामने रो पड़ी तो मेयर साहब को पद्मा का रोना इतना ज्यादा नागवार गुजरा कि उन्होंने गीता भवन चौराहे पर BRTS ही खुदवा दिया। अब कांग्रेसी पार्षद सुनीता शुक्ला की अरज मेयर साहब ने सुन ली है। सुनीता शुक्ला पिछले 3 सालों से एक सड़क के लिए अर्जी लगाए बैठी थी। साहब ने उनकी अर्जी सुनी और विश्रांति चौराहे से गाड़ी अड्डा तक सड़क कार्य का भूमि पूजन कर डाला। खास बात यह है कि शुक्ला कांग्रेसी पार्षद है। ये सड़क अब कांग्रेसी रवि वर्मा के वार्ड होते हुए सीधे दिनेश पांडे के वार्ड जाएगी, अर्थात मेयर साहब ने एक सड़क से दो दो कांग्रेसी पार्षदों की सालों पुरानी समस्या का समाधान कर डाला। अब ऐसे में श्रमिक क्षेत्र से लेकर जूनी इंदौर के गलियारों तक एक ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है हमारे कृष्ण मुरारी मोघे की लीलाएं निराली है। वो केवल सड़क निर्माण करने की घोषणा नहीं करते बल्कि उसके निर्माण के शुभारंभ में भी पहुंच जाते हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ भूमि पूजन में भी हाथ बटाते हैं। साहब की लीलाएं यहीं खत्म नहीं होती। ये उन्हीं का ही जादू है कि जो भी इनके दर आता है खाली नहीं लौटता, बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है। फिर मेयर इतने बड़े लीडर तो रहे हैं कि फिर उनके सामने बीजेपी हो या कांग्रेसी, दोनों के पार्षद एक समान ही तो हैं। वैसे मेयर साहब ही हैं जो कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों के नगर सेवकों को एक जाजम पर जब चाहे तब बैठा सकते हैं, इसलिए तो कहते हैं जय हो कृष्ण मुरारी की। शहर के जन प्रतिनिधियों को इन दिनों बैठे ठाले का काम मिल गया है। अलग अलग इलाकों में खुल रही शराब की दुकानों को लेकर हो रहे प्रदर्शनों में नेता नगरी को ना चाहते हुए भी मैदान पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आम लोगों की मौजूदगी और आक्रोश को देखते हुए जनप्रतिनिधि दुकानों का विरोध कर जल्द से जल्द शेयर लूटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस काम में वो सबसे आगे है जिन्हें विधायकी के सपने इन दिनों सोने नहीं दे रहे। शराब की दुकान लालबाग की हो या फिर दशहरा मैदान की, दोनों दुकानों को लेकर विरोध के स्वर अब बुलंदी पर आ गए हैं। इन शराब की दुकानों के विरोध का झंडा सीधे क्षेत्र के जनता के हाथों में है। ऐसे में बैठे ठाले जन प्रतिनिधियों को भी मुखर होने पर विवश होना पड़ रहा है। दशहरा मैदान की दुकान को लेकर शुरू हुआ विरोध बीजेपी और कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन खड़ा हो गया है। श्रेय की लड़ाई का मामला होने के कारण बीजेपी पार्षद सुधीर देड़गे ने मैदान संभाला तो क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के साथ साथ कलेक्टर आकाश त्रिपाठी से मिलाई। दरअसल क्षेत्रीय विधायक हो या फिर पार्षद, दोनों के सक्रियता के पीछे एक ही कारण है, वो है आने वाला विधानसभा चुनाव।
इसे चुनाव में बतौर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके सुरजीत सिंह चड्ढा भी दशहरा मैदान की शराब की दुकान के खिलाफ बहती गंगा में हाथ धोए हैं। चुनावी साल में यकायक जन प्रतिनिधियों के बढ़ते विरोध के कारण अब पार्टी के गलियारों में इन विरोध प्रदर्शनों को भी नाम मिल गया है। इन दिनों कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों के जन प्रतिनिधि इससे बैठे ठाले का काम कह रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अभी इस फहरिस्त में कुछ और जन प्रतिनिधि भी आ सकते हैं। अब देखिए, बंगाली चौराहा की दुकान को लेकर अभी तक कोई जन आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। यहाँ पहले से लगातार विरोध तो होता रहा है, लेकिन नतीजा नहीं आने की वजह से रहवासी हैं कि विरोध की मुद्रा भूल ही चुके हैं। लेकिन दशहरा मैदान और लालबाग की दुकानें इस बार स्थानांतरित जरूर हो सकती हैं, क्योंकि एक बार फिर चुनावी साल में 5 नंबर में भी शराब दुकान की राजनीति सिर उठा रही है। और अंत में बात करते हैं फिर उसी पीपी की। कांग्रेसी पार्षद तनुजा के पति कमलेश खंडेलवाल लगता है कि अभी से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, भले ही फिर खंडेलवाल को क्षेत्र क्रमांक 1 के किसी भी कांग्रेसी का साथ नहीं मिल पा रहा हो। इधर इस पीपी के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष और कुछ पीपी जरूर नजर आ रहे हैं। बार बार जान का खतरा बताने के पीछे कारण भी महज एक गनमैन बताया जा रहा है। हालांकि अब गेंद खाकी के पाले में है और उसे ही निर्णय लेना है। लगता है कमलेश खंडेलवाल ने केवल 1 नंबर के भाजपाइयों में ही खलबली नहीं मचा रखी है, बल्कि कमलेश के रुख से लगता है 1 नंबरी कांग्रेस भी हैरान परेशान है। कमलेश बार बार रो रो कर दहाड़ रहा है कि उसे भाजपाई गुंडों से खतरा है, लेकिन हमेशा भाजपाइयों से दो दो हाथ करने वाला यादव परिवार पूरी तरह से मौन है। कमलेश बार बार ये भी कहने से नहीं चूकते हैं कि उन्होंने संजय शुक्ला के लिए विधानसभा चुनाव में बहुत काम भी किया है और उनके परिजन की ओर से दिया जाने वाला धन भी नहीं लिया है। इसके बावजूद ना तो रामलाल यादव उनके लिए आईजी से मिलने पहुंचे, ना ही मांझा सूद कर बैठे संजय शुक्ला कमलेश की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। कमलेश अब बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है, लेकिन जिस तरह से पूरे 1 नंबर के कांग्रेसी कमलेश के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, इससे तो यही कहा जा रहा है कि कमलेश अभी बेहद कमजोर है। ऐसे में कमलेश का साथ वो दे रहे हैं जिनका ना तो 1 नंबर में वजूद है, ना ही वो 1 नंबर की राजनीति करते हैं। कमलेश खंडेलवाल बार बार अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, जबकि 1 नंबरी गलियारों में इसे महज एक स्टंट करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दाव केवल गनमैन यानी पुलिस से सुरक्षा कर्मी लेने के लिए खेला जा रहा है, जिससे खंडेलवाल का वजन अपनों के साथ साथ आम लोगों में बढ़ सके। वैसे कमलेश प्रकरण में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन मैदान में नजर आ रहे हैं, जबकि 1 नंबरी धुरंधर अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। ऐसे में इस मामले में अभी तक कांग्रेस में ही दरार है और इसका सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है जो बाद में भी फायदे में रहने वाले हैं। मतलब नहीं समझे, समय का इंतजार करो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।